पूरी सरकार, पंजाब का पूरा कांग्रेस प्रधान, सभी लोग यहाँ पहुंचे थे। कैसे, क्या कुछ है? सब कुछ सेट हो चुका है, सही है स्थितियां, क्या कुछ है? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा था कि अब तो सारी दुनिया देख रही है कि मैंने जब कहा था कि पंजाब में ऑल इज वेल नाउ और हर चीज जो है रास्ते पर स्मूथली चल रही है, जो चैलेंज है उस चैलेंज का मुकाबला कर रहे हैं और मैं कॉन्फिडेंट हूँ ये स्थिति बनी रहेगी और हरीश चौधरी जो हैं इस मामले में मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरे कुछ शिकायतें हैं, उससे बहुत कुछ सीखने, जिस नौजवान से सीखने की ज़रूरत है उनमें से एक है। तो ये स्थिति चुनाव में हमको जीत की तरफ ले जा रही है पंजाब में, और पंजाब में आप देखिएगा कांग्रेस जीतेगी। केदारनाथ जाने का उनका कार्यक्रम है, क्या कुछ है सर? केदार बाबा से कौन क्या मांग रहा है, वो तो सब देने वाला है, लेकिन वो केदारनाथ जाते हुए उन लोगों ने अपने दर्शन मुझको भी दिए तो मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे लिए तो जो भी केदार बाबा के दर्शनों के लिए जाता है उसके लिए हमारे हाथ जुड़े हुए हैं, हम उसको बहुत धन्यवाद देते हैं, चाहे वो चरणजीत सिंह चन्नी हों, नवजोत सिंह सिद्धू हों या KPS राणा हों, हमारे स्पीकर जो है या हरीश हों, मगर या नरेंद्र मोदी जी हों, हम हर किसी को कहते हैं बाबा कल्याण करना और सबको आगे बढ़ाने की इनको राह बताना। सर, त्रिवेंद्र सिंह रावत कल केदारनाथ गए थे लेकिन उनको जो मंदिर में दर्शन तक नहीं करने दिए, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैं ऐसी उससे सहमत हूँ, क्योंकि केदार ऐसे देवता हैं जो सबको क्षमा करते हैं, तो केदार में सबको क्षमा किया जाना चाहिए था। लेकिन जो पंडा समाज की नाराजगी अभी तक देवस्थानम बोर्ड को लेकर के, सरकार ने कोई निष्कर्ष, उसका पाप भाजपा को भुगतना पड़ेगा। यदि मोदी जी एक दो दिन में उसको वापस नहीं लेंगे तो आप देखिएगा आगे आने वाले समय में ये जो उन्होंने एक कृत्रिम व्यवस्था हमारे तीर्थ स्थलों पर थोपी है उसका परिणाम भाजपा को पूरे चुनाव में भुगतना। सर, आप सर, क्या मानते हैं सर, जो एक्ट का जो गठन त्रिवेंद्र रावत जी ने किया था उनका कल बहुत जोरों शोरों से विरोध रहा है? देखिए, मैं जो कुछ केदार में त्रिवेंद्र सिंह जी के साथ हुआ मैंने कह दिया कि भाई कि केदार बाबा तो सबको क्षमा करते हैं, लेकिन जो गुस्सा है लोगों का, आक्रोश है, वो स्वाभाविक है। और भाजपा जिस प्रकार से डिले डिलेइंग टैक्टिक्स कर रही है, हमारे कांग्रेस के, विपक्ष के और जनता के एकमुश्त दबाव के बाद भी जो अहंकार दिखा रही है मैं उसकी निंदा करता हूँ, और उसको सुधारने का एक ही रास्ता है उनके पास कि वो जो है इसको तत्काल प्रभाव से निरस्त करें, विधानसभा का सत्र बुला करके निरस्तीकरण का प्रस्ताव लाएं, और वो नहीं करेंगे तो हम हैं, हम हमारी गवर्नमेंट का जो पहला एक्ट होगा वो इसको निरस्त करना। सर, कांग्रेस में कुछ और लोग क्या शामिल होने जा रहे हैं, कोई विधायक कुछ है? क्योंकि अब समय कम रह गया है और बड़ा झटका कांग्रेस कब देगी बीजेपी को? उनको वो तो जो गिर गए हैं, गिरे को कांग्रेस झटका कभी देती ही नहीं, वो तो गिर गए हैं और अब तो खाली डिक्लेरेशन होना है कि गिर गई भाजपा जो है, और यदि कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो हम भी जवाब देंगे। राहुल गांधी जी ने गोवा में भाजपा में, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप लोग इसको कहें ना कहें, भाजपा में जबरदस्त भगदड़ की स्थिति है। सर, यशपाल आर्य के आने के बाद जो है बीजेपी के कुंभे में बड़ी दिक्कत सी दिखाई दे रही है, वो कह रहे हैं कि अगर हमारे साथ ऐसा होता है तो हम जो है कांग्रेस की भी सेंध लगाने का काम करेंगे, जो भाजपा का कहना है। देखिए, भाजपा सेंध लगाएगी, हम जवाब देंगे, हम क्योंकि 2016 में ये एक नई स्क्रिप्ट भाजपा ने लिखी थी उत्तराखंड में, उस समय हम सत्ता में भी थे तो हमने कभी वो अहंकार नहीं दिखाया कि हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अब विपक्ष में है, यदि वो हमको हमारे वहाँ से कोई तोड़फोड़ करेंगे तो हम भी उनके वहाँ से तोड़फोड़ करेंगे, और उनको ये समझना चाहिए भाजपा का पूरा स्वरूप बदल जाएगा, आधे से ज़्यादा जो है दल बदलने के लिए तैयार है, लोगों को विश्वास ही नहीं है कि भाजपा के चिन्ह के साथ वो जीत सकते हैं, वो सब लोग बदल करके कांग्रेस में आना चाहते हैं। सर, राहुल गांधी जी ने गोवा में कहा है कि जो लोग बुरे वक्त में कांग्रेस का साथ छोड़ गए अब उनकी वापसी नहीं होगी, तो आप इस बयान को कैसे, थोड़ा नीचे करो, उत्तराखंड में सर बहुत
अपवाद हम प्रार्थना करेंगे कि यदि कोई पार्टी के लिए जरूरी हुआ और राज्य के लिए जरूरी हुआ तो उसको अपवाद स्वरूप हमको आज्ञा दे दे, बिना नेता की आज्ञा के थोड़ी कोई पार्टी में लिया जाएगा, उनकी आज्ञा से ही लिया जाएगा।